हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 5 ईयर प्लान्स। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में बात करें, जो कि 1951 से 1956 तक चला। इसे हमारे वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेजेंट किया, एंड इसे हेरोल्ड डोमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस पे मेन फोकस हमारा एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी सेक्टर पे था, जिस पे ग्रोथ रेट डिसाइड किया जाता है 2.1%, बट वी अचीव 3.6%। कीप रिमेंबर दिस डाटा, आई विल लेट यू नो इन दी एंड वाई द डाटा इज़ सो इम्पॉर्टेंट। एंड अगर बात करें इरीगेशन प्रोजेक्ट्स की, तो 5 इंपॉर्टेंट इरीगेशन प्रोजेक्ट हमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान में देखने के लिए मिले थे। वो था भाखड़ा नांगल डैम, जो कि सतलज नदी पे है पंजाब में है, हीराकुंड डैम जो कि महानदी पे है उड़ीसा में है, दामोदर वैली जो कि दामोदर नदी वेस्ट बंगाल में है, मेट्रो डैम ऑन कावेरी विच इज़ इन तमिलनाडु। ओके, एंड वट आर द अदर हाईलाइट्स ऑफ दिस फर्स्ट प्लान, दैट इज़ 1952 इंडिया ने अडेप्ट किया फैमिली प्लानिंग, जो कि पहली बार हमारे देश ने अडेप्ट किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस 1956, 5 IITs एंड UGC ऑल्सो टुक द चार्ज। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेकेंड प्लान, दैट इज सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो कि 56 से 61 तक चला। इसमें हमारा मेन फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, और इसे जो प्लान था, ये मॉडल था, ये जाना जाता था नेहरू महलनोविस मॉडल। ठीक है, और ये जो महलनोविस थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट और इकोनॉमिस्ट थे एट द टाइम, एंड हैवी इंडस्ट्रीज जो जिन पे फोकस किया गया। सो 5 स्टील प्लांट्स जो लगाए गए, एक था भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में रशिया के हाथ से लगाया गया, एक था दुर्गा स्टील इंडस्ट्रियल प्लांट जो कि वेस्ट बंगाल ब्रिटेन में लगाया गया, ब्रिटेन की हेल्प से लगाया गया, राउरकेला स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा में है जर्मनी की मदद से लगाया गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, चितरंजन लोकोमोटिव जो कि वेस्ट बंगाल में लगाया गया, ये इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन बनाने के लिए लगाया गया था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के बारे में बात करें तो ये पीरमपुर चेन्नई से है। रेल कोच फैक्ट्री के बारे में बात करें, जो कि आप जानते हैं कपूरथला पंजाब से है। एंड डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के बारे में बात करें, जो कि वाराणसी में लगाया गया। इसमें जो हमने ग्रोथ रेट सेट किया था वो कि 4.5% था, बट वी अचीव 4.27%, नॉट दैट बैड। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में, जो कि 61 से 66 तक चला। इसे जो है दिया गया था, या इस जो मॉडल के नाम से जाना जाता है, सैंडी सुब्रमण्यम मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसे बेसिकली इनपुट आउटपुट मॉडल कहा गया था। ये जो थर्ड ईयर प्लान था, इसमें हमने सबसे ज़्यादा अप्स डाउन्स देखे हमारी कंट्री ने। 62 में आप जानते हैं इंडो सिनो वॉर हो गया था, 64 में IDBI का गठन हो गया था। IDBI का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था। और इसी के दौरान जो इंडो सिनो वॉर हुआ था, इसके दौरान जो है नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लगा दी गई थी आर्टिकल 352 के तहत। और 1964 में बोकारो स्टील प्लांट इस्टेब्लिश किया गया, जो कि झारखंड में है, और ये रशिया की मदद से किया गया, और बोकारो आज की डेट में बिहार से हट करके झारखंड में पहुंच गया है। ठीक है, तो 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ, 1965 से 66 तक सीवियर ड्रॉट आ गया, और 65 में FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया। 1966 में इंडिया ने करेंसी को डिवैल्यू कर दिया, यानी पैसे जो रेट था उसे घटा दिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा मंदी आ गई थी। और टारगेट जो यहाँ रखा गया था 5.6% रखा गया था, लेकिन हम पुअरली 2.4% अचीव कर पाए। और इसी दौरान प्लान हॉलीडे आ गया, दैट इज 66 से 69 तक, क्योंकि इतनी बुरी हालत हो गई थी, इसलिए हमें एक ब्रेक चाहिए था। दैट्स व्हाई इसे हम प्लान हॉलीडे भी कहते हैं। और 66 से 67 के बीच में हमें ग्रीन रेवोल्यूशन भी देखने के लिए मिला। फोर्थ प्लान की अगर बात करें तो 69 से 74 के बीच में आया, और ये जो प्लान था, ये अशोक रुद्रा एलन माने मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसमें टैगलाइन ली गई ग्रोथ विथ इक्विटी। इस टाइम पे इंदिरा गांधी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थी। 1969 में 14 बैंक्स को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनलाइज कर दिया गया। कौन से प्लान के तहत? फोर्थ प्लान के तहत। देन जो ग्रीन रेवोल्यूशन था भारत में, पहले ही आ चुका था, उसको और ज़्यादा एडवांसमेंट मिल दी। एंड 71 में इंडो पाक वार हो गया, जिसकी वजह से बांग्लादेश लिबरेट हो गया। एंड 74 में इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा नाम का एक न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म किया, जिसे पोखरान 1 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राजस्थान में है इस प्लेस। एंड जो टारगेट ग्रोथ था यहाँ पे 5.6% का था, लेकिन 3.3% ही हम अचीव कर पाए, नॉट दैट गुड। एंड फिफ्थ प्लान की बात करें तो इस प्लान को हम DP धार मॉडल के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे हमारी टैगलाइन थी पॉवर्टी एलिमिनेशन, पॉवर्टी को कम करना था बेसिकली इस 5 ईयर प्लान का काम। 75 में 2 अक्टूबर 1975 में रीजनल रूरल बैंक का गठन किया गया। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है हर एक एक्ट लाया गया 1975 में।
और मिनिमम नीड प्रोग्राम ही रखा गया सो दैट हर एक सिटीजन का जो है महंगाई के टाइम पे भी ख्याल रखा जा सके, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट करती है। इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम भी बनाया गया इसी प्लान के तहत, ताकि हम टूरिज्म को क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें। ये जो प्लान था वो 4 साल में ख़त्म हो गया, क्यों? क्योंकि मुरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट आ चुकी थी तो उन्होंने इसे बंद कर दिया था। दैट्स वाई 78 से 80 तक जो है इसे रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। रोलिंग प्लान को जिन इंसान ने नाम दिया था, कंसेप्ट दिया था, उनका नाम है गुनार मैदल। एंड जो टारगेट ग्रोथ थी यहाँ पे 4.4% थी, जो कि 4.8% हमने अचीव करी, विच इज़ गुड। एंड सिक्स प्लान की अगर बात करें तो 80 से 85 तक चला। इसे इनपुट आउटपुट मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे लिबरलाइजेशन का दौर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे फूड प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी बढ़ चुकी थी, इसलिए 12 जुलाई 1982 में नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर भी बनाया गया, रूरल डेवलपमेंट इस्टेब्लिश किया गया। और ये किया गया शिवा रमन की कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पे। एंड 1982 में एग्जिम यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सचेंज स्टार्ट किया गया। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, जो कि आप जानते थे खालिस्तान की मांग के लिए चलाया गया था। जैसे KPS गिल जो एक ऐसे IPS थे जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की कोई भी बात नहीं मानी थी, दैट्स वाई इज़ वेरी फेमस फॉर सिक्स प्लान। एंड द टारगेट ग्रोथ थी 5.2% थी, बट 5.4% अचीव हुई, विच इज़ ऑल्सो गुड। सेवन्थ फाइव ईयर प्लान की बात करें, विच इज़ 85 to 90, एंड इस टाइम पे कांग्रेस पार्टी जो है गवर्नमेंट में थी और राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, वेरी चेरिस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड इनकी डेथ जो है 91 में हो गई थी, ये डाटा याद रखिएगा, से हम एक और कंक्लूजन निकालेंगे। यहाँ पे स्ट्रेस दिया गया था इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, और इसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। 86 में स्पीड पोस्ट का गठन हुआ इसी प्लान के तहत। एंड 88 में सेबी का गठन हुआ, ठीक है, बट सेबी गॉट पावर इन 1992। एंड यहाँ पे जो है सेट किया गया था 5.0%, बट 6.0% हमने अचीव किया, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एनोन प्लान्स की बात करें, जो विच इज़ 1992 एंड 8th प्लान, क्योंकि राजीव गांधी जी की डेथ हो चुकी थी, दैट्स वाई पॉलिटिक्स सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका था। इसी बीच में जो है इसे एनुअल प्लान्स का नाम दिया गया 1992। यहाँ पे राव मनमोहन मॉडल लाया गया, जी हाँ, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन जी ही हैं, इनके वेस पे इसका वेरी फेमस मॉडल LPG मॉडल इसका नाम दिया गया, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन के तहत क्या करती है, गवर्नमेंट अपने शेयर को सेल कर देती है ताकि वो अपनी जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सके, देश की इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके। और ग्लोबलाइजेशन के तहत क्या है, इंडिया को बाकी सब देशों से जोड़ना था। करेंटली 5 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जिनको लाइसेंस इशू किए गए, अल्कोहल, हजार्डस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, डिफेंस एंड एरोस्पेस एंड टोबैको प्रोडक्ट। मूविंग ऑन टू द 8th प्लान, दैट इज़ 1992-1997, इसमें मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का मॉडर्नाइजेशन किया गया। बेसिकली 1 जनवरी 1995 में इंडिया जो है WTO का मेंबर बन गया, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे जो है हेडक्वार्टर WHO का भी है जिनेवा में, और इसका गठन 1948 में हुआ था। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ पे हमारा, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। और यहाँ पे ग्रोथ रेट रखा गया था 5.6%, बट वी अचीव 6.8%, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन टू द नाइन्थ प्लान, अकॉर्डिंग टू दिस प्लान इकोनॉमिक ग्रोथ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इस पर फोकस किया गया, यानी हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। एंड सोशल जस्टिस विद इक्विटी, ये यहाँ पे टैगलाइन रही। तो ऑब्जेक्टिव क्या थे यहाँ पे, हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़ को कम करना, जो कि अछूत या अनटचेबिलिटी इस तरीके की चीज़ें थी। तो यहाँ पे टारगेट रखा गया था 7.1%, लेकिन 6.8% अचीव हुआ। 10th प्लान की बात करें तो यहाँ पे कुछ बात बताने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत कम भूलते हैं हम। यहाँ पे लिटरेसी 75% थी इंडिया में, पॉवर्टी 26% जो है बची हुई थी। एंड मेटल एंड मोर्टेलिटी रेट क्या था, 1000 पर 2 वुमेन जो होती हैं उनकी डेथ हो जाती थी, तो ये रेट था। इसे 11th प्लान में इम्प्रूव किया गया, आप डाटा देख सकते हैं, देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट। एंड इंपॉर्टेंट इज दिस वन, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ये 11th प्लान में इंक्लूड कर लिया गया था। एंड 12th प्लान की अगर बात करें तो यहाँ सबसे खास जो है हाईलाइट रही नीति आयोग का आना, जो कि 2015 में आया था, ठीक है। और This is all about the 5-year plans from my side. I hope you people liked it. I try to customize the video in very less time. So still write your thought in the comment section. Till then, take care.